हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिका एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, माइक्रोफाइलेरिया, दूस जैसा पेशाब होना आदि बीमारी का हम चर्चा करेंगे। फाइलेरिया यानी मोटा पैर, फाइलेरिया यानी मोटा पैर, फाइलेरियासिस मोटा पैर, एलिफेंटाइटिस। फाइलेरिया में भी कुछ ऐसा आपका पैर देखने में आता है जो हाथी के समान मोटा होता है, यानी कई लोगों का तो केवल पांव हल्का हल्का फूला रहता है और कई लोगों का हाथी के समान यानी एलिफेंटाइटिस, बहुत उनका चमड़ा जो होता है शुरू से ही मोटा लेकर चलता है और काफ़ी धीरे 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 मोटा होने लगता है। एलिफेंटाइटिस का मतलब होता है हाथी के समान, यानी पैर आपका हाथी के समान हो जाएगा। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो हमारा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग पर ही आता है, लेकिन कुछ मरीज जब होम्योपैथिक दवा से ठीक हुए, ठीक होने के बाद में उनका हमने लाइव किया। एक मरीज थे, उनका 66 साल पुराना यानी 1957 का फाइलेरिया 17-18 में जाकर ठीक हुआ। लाइव किया हमने तो काफ़ी उस पर लोगों का प्रतिक्रिया आया, काफ़ी लाइक लोग किए और उसके बारे में जानने की कोशिश किए कि इतना फाइलेरिया भी पुराना ठीक हो सकता है। पुराना से पुराना फाइलेरिया ठीक हो जाता है होम्योपैथिक दवा से। आप हेट्राजन और बेनोसाइड फूड, हेट्राजन और बेनोसाइड फूड से आप यदि चाहेंगे कि फाइलेरिया जड़ मूल से ठीक हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, ये होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होता है। यानी हैनीमैन साहब ने होम्योपैथिक दवा का इसलिए रिसर्च किया ताकि बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए और दवा का साइड इफेक्ट नहीं रहे। हमें बहुत अचरज लगा और जानकर आश्चर्य लगा कि फाइलेरिया से भी इतने लोग प्रभावित हैं। हमें शुरू में ये मालूम नहीं था कि फाइलेरिया से लाखों की संख्या में बहुत हमारे भाई बहन प्रभावित हैं और एलोपैथी का दवा इलाज करा करा कर थक चुके रहते हैं। कई लोग आयुर्वेदिक दवा भी करा लिए रहते हैं। बीमारी जब भी ठीक होता है तो अनुभव के कारण ठीक होता है। हमने ऐसे ऐसे मरीजों का उपचार किया जिनका फाइलेरिया के लिए ऑपरेशन का डेट निर्धारित हो गया था। एक हाई स्कूल के टीचर के लड़के थे, आज से बहुत साल पहले, आज से जब हम शुरू में पढ़ते थे, जब उस समय में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था, फिर भी बहुत अच्छा हम जानकारी हासिल कर लिए थे। उस समय में उस बच्चे का एक भाई जो था वो शुरू से पोलियो के कारण उसका विकलांग हो गया था, यानी दिव्यांग हो गया था, और दूसरे बच्चे का भी ऑपरेशन का डेट पड़ चुका था और हमने उस समय में फाइलेरिया का ट्रीटमेंट किया और बिल्कुल वो बच्चा 100% ठीक हो गया। इसके बाद में बहुत सारा फाइलेरिया का मरीज तो होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन हमें लगता नहीं था कि ये जानकारी YouTube पर शेयर करनी चाहिए और इतने विशाल संख्या में, इतने बड़े संख्या में हमारे भाई बहन इस रोग से प्रभावित हैं, इसका हमें बिल्कुल अंदाजा था ही नहीं। तो हमने सोचा कि लाइव किया जाए और हमें खुशी हुई कि 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हो गया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि जो 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में था
जो बच्चा उसे उस समय फलेरिया हुआ था और 80 साल के उम्र में जाकर उसकी बीमारी ठीक हो जाए, हमें बड़ी आश्चर्य लगा। लाइव किया, ठीक हुआ। उसके बाद में यूपी के एक अली जी का भी उनका वीज़ा जो था उनका वीज़ा रद्द हो जाता, उनको माइक्रो फलेरिया पॉजिटिव आ गया था। माइक्रो फलेरिया पॉजिटिव आने के कारण वो विदेश नहीं जा सकते थे। उनका विदेश जाने का मुख्य उद्देश्य है काम रोजगार को हासिल करना। तो इस तरह से माइक्रो फलेरिया उनको पॉजिटिव हुआ था, हाइड्राजन बेनोसाइड फोर्ट खा लिए थे लेकिन बिल्कुल उसे ठीक नहीं हुआ। तब हमसे उन्होंने संपर्क किया, हमने तो उन्हें 3 से 6 माह का समय दिया था, लेकिन जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि मात्र 40 दिन में उनका माइक्रो फलेरिया निगेटिव हो गया। और कई तरह के जो हमारे नौजवान हैं उनको फलेरिया पकड़ लिया है, ये विशेष करके मच्छर के काटने से ये होता है। मस्केटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि फलेरिया हो जाए तो सबसे बड़ा आपको क्या क्या दिक्कत करेगा। कई सारे भाई बहन अपना बीमारी कई डॉक्टर से दिखाते हैं और फलेरिया उन्हें पकड़ में ही नहीं आती है कि कौन सी उन्हें बीमारी हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बहुत अच्छे डॉक्टर आप अपने लिए चुनते हैं तो कभी कभी होता है कि पुराने टाइप के बीमारी देखने के लिए इस डॉक्टर के पास में समय नहीं रहता है, और एक मरीज पर समय देना संभव नहीं रहता है और नए मरीजों से ही उनकी क्लिनिक भरी पड़ी रहती है। तो समय जब नहीं दे पाते हैं डॉक्टर साहब तो इसलिए आपका ये बीमारी पकड़ में नहीं आता है। यदि पैर फूले, हम आपको आसान भाषा में बताते हैं, पैर फूलेगा उसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों का पैर, दोनों पैर में से एक ही पैर फूला रहता है, ये बाएं फूले या दाएं फूले, बहुत कम लोगों का दोनों पैर आपको फूला हुआ मिलेगा। उसके बाद में आपको कंप, कोल्ड, ठंड के साथ जार बुखार आएगा। ये सिम्टम भी सब में नहीं दिखाई देता है, ज़्यादातर मरीजों को जार बुखार नहीं रहता है, केवल पैर फूला रहता है। इससे जब बीमारी आपका आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसिल पर जाएगा और हाइड्रोसिल की बीमारी करेगा, हाइड्रोसिल फूल जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ेगा बीमारी तो आपके हाथ में भी ये सूजन करेगा, ये हाथ में सूजन आपको आ सकता है, हाथ भी मोटा हो सकता है। और आगे बढ़ेगा तो आपके आँख को भी लाल कर सकता है, फलेरिया का असर आँख में भी जा सकता है। तो पैर में आएगा 1 नंबर, हाइड्रोसिल पर जाएगा 2 नंबर, और तीसरा बाँह पर जाएगा 4 नंबर, पांचवा जो है आँख पर आएगा, छठा है जार बुखार के साथ, बुखार किसी को आएगा किसी को नहीं भी आ सकता है। 7वां लक्षण जो हमारा अभी तक का जो हमने अनुभव किया है, 7वां लक्षण जो है पेशाब यदि दूध की तरह होने लगता है, पेशाब यदि किसी को दूध की तरह हो रहा है तो आपको समझनी चाहिए कि आपको फलेरिया का शिकायत हो गया है। लैब में जाकर माइक्रो फलेरिया का आप टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें CBC का भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। फिलहाल आपको हम बताते हैं कि फिलहाल आपको ये बीमारी को समझने के लिए क्या करनी चाहिए, आपको फिलहाल आपको बीमारी को समझने के लिए दिमाग को क्या करनी चाहिए, दिमाग को एक जगह आप कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। पैर जो फूलता है, पैर जो आपको फूलने लगेगा,
पैर फूलने लगेगा, इतना पैर फूलेगा, किसी किसी का पतला होगा पैर हल्का और किसी का बहुत ज़्यादा मोटा भी होगा, हाथी के समान पैर हो जाए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको फाइलेरिया की बीमारी हो गया है। कई लोग इसे किडनी से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन किडनी पैर का फूलना जो होता है तो किडनी के वजह से भी आपका पैर फूलता है, लीवर के वजह से भी पैर फूलता है, हार्ट डिजीज की वजह से भी फूलता है। लेकिन फाइलेरिया में जो है इस चेहरे पर और शरीर पर नहीं जाता है, ये सूजन लेकर के। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है और फाइलेरिया का दर्द है तो फिलरीन ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँव फूला हुआ है, जलन है, पाँव फूला हुआ है, जलन है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 110 रुपये कीमत का पड़ता है, ये होम्योपैथिक स्टोर पर आसानी से मिलता है। लेकिन ये तेल लगाने से फाइलेरिया आपका ठीक नहीं होगा, बल्कि दवाई खाने से ठीक होता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार आपको खानी चाहिए कुछ दिनों तक। और ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग में भी बहुत कारगर है, रोकथाम करने में कारगर है, और ये फाइलेरिया में भी काम करता है। तो फाइलेरिया सिस जो मोटा पैर हो गया है और बहुत ज़्यादा मोटा होने लगेगा, टेलीफेंटाइटिस हाथी पांव कहा जाता है, माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट आसानी से आप करा सकते हैं। किसी किसी को साथ में एसिनोफिलिया की भी शिकायत हो सकती है। तो फैले और 7 लक्षण आपको हमने बताया था। यदि आप लेडीज हैं, आप तो आपका जो ब्रेस्ट है छाती में गिल्टी देखने में आता है। फाइलेरिया की वजह से आपके छाती में और लेडीज हैं तो उनको गिल्टी नज़र आता है, यदि पुरुष हैं तो उनको नज़र नहीं आता है। क्या क्या देखेंगे फाइलेरिया के मरीज, औरत लेडीज हैं तो पैर का फूलना 1 नंबर में देखना है, जार बुखार देखना है, आता है कि नहीं, किसी को आता भी है किसी को नहीं भी आता है। उसके बाद में आपको हाथ फूल जाएगा, हाथ फूलेगा, हाथ भी मोटा हो जाता है, और उसे आगे बढ़ेगा तो आपको आँख का आँख जो है इसे लाल रहने लगेगा, दूध की तरह आपको पेशाब होने लग सकता है, महिला है तो छाती में गिल्टी आ सकता है। तो इस तरह से आपके फाइलेरिया का हमने बहुत हमने बताया है कि पेशाब दूध की तरह यदि पेशाब होता है तो ये भी फाइलेरिया का लक्षण है। तो फाइलेरिया का किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए और आपको 3 से 6 महीने से लेकर के 66 साल तक के पुराने फाइलेरिया का मरीज ठीक हो चुके हैं। यदि आपको पिछले कई वर्षों से फाइलेरिया से आप प्रभावित हैं, ऑपरेशन फाइलेरिया में ऑपरेशन भूल कर भी न कराएं, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में भी आपको कभी भी भूल कर सर्जरी न कराएं। इसमें दोनों में कभी भी फायदा नहीं होता है। फाइलेरिया का ऑपरेशन कराने की वजह से आपका जान जा सकता है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। फाइलेरिया भी एक गंभीर बीमारी है। हम अपने से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई लोगों का व्हाट्सएप पर फोटो मैसेज किया जाता है, देखकर हम बहुत हैरान हैं और परेशान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इतने भाई बहन हमारे फाइलेरिया से के रोग से भी प्रभावित हैं। हमने जब एक वीडियो डाला 66 साल के फाइलेरिया जब ठीक हो जा रहे हैं, तब उसका काफ़ी व्यू मिला और काफ़ी उस वीडियो का उन्होंने सर्च किया लोगों ने, और उसका लिंक भी मांगा और हमने लिंक उपलब्ध कराने की कोशिश की। तो फाइलेरिया आपका ये होम्योपैथिक दवा का कमाल है, अच्छा अनुभव रहता है तो पुराने से पुराने बीमारी को धराम कर देता है, यानी जड़ मूल से बिल्कुल नष्ट कर देता है। हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट जितना आपको खानी है खाइए। दिमाग में आपको रखनी चाहिए कि उससे जड़ से कभी ठीक नहीं होगा, जब ठीक होता है तो आपका फाइलेरिया होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होता है। यदि आपको किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9 8 0
1-7-5-7-5-3-3 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। माइक्रोफिलेरिया का आप जांच करा सकते हैं। एक बार फिर हम नंबर बोल देते हैं, कई लोगों का स्लो लिखने की आदत है, कलम पेन लेकर बैठ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? फाइलेरिया का जितना लक्षण है हमने बताने की कोशिश की है, पैर फूलेगा, पैर एक नंबर का पैर फूलेगा, पैर हाथी के समान भी हो सकता है, हाथ फूलेगा, और यदि इससे आगे चला जाए तो आपका पैर हाइड्रोसील, पैर फूलेगा, हाइड्रोसील फूलेगा, हाथ फूलेगा, आँख लाल हो सकता है, जर बुखार आ सकता है, औरत है तो छाती में उनको गिल्टी आ सकता है। ये फाइलेरिया का इतना लक्षण सिम्टम देखने में आता है। फाइलेरिया का भूलकर भी ऑपरेशन कराने पर मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इसे जटिल बीमारी को होम्योपैथिक दवा से ठीक कराने में ही आपकी भलाई है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया है। हमारे जितने भी यूट्यूब के दर्शक हैं, हमारे जो चैनल GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल को नियमित देखते हैं और लोगों से लाइक सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें मान सम्मान देने की वजह से और हमारा वीडियो पर बहुत बढ़िया उनका व्यू रहता है, यानी उनका नज़रिया जो रहता है काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। लेप्रोसी के मरीज भी और ये फाइलेरिया के मरीज भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हमारे चैनल को, इसलिए हम चैनल पर आते हैं। नहीं तो मेरा क्या दम है कि कोई चैनल पर आ जाए, 10 वीडियो बनाने के बाद में यदि लाइक से सब्सक्राइब शेयर न मिले और कोई समाचार तक भी न पूछे तो लाइव में या इस तरह से यूट्यूब चैनल पर आना काफ़ी कठिनाई वाला काम है। लगभग आपको 850 के करीब वीडियो मेरा बन चुका है। ये आपका जो लेप्रोसी के मरीज हैं और फाइलेरिया के मरीज हैं, दोनों हमारा सलाह खूब अच्छी तरह से मानते हैं और हमारा वीडियो भी खूब देखते हैं, उन्हें पसंद आता है, और कई लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि उन्हें फाइलेरिया और लेप्रोसी का क्या क्या लक्षण होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें कोई समय ही नहीं देता है, वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, भागे भागे मारे मारे फिरते हैं, जाए तो कहाँ जाए। तो हमारा चैनल से वो डायरेक्ट घर पर बैठे देख लेते हैं और अपने बीमारी को पहचान लेते हैं। हमारा कोई भी चैनल देखेगा तो आप बीमारी में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, इतने साफ सिम्टम रहते हैं कि आपको पकड़ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। ऐसे भी आपको ट्यूबरकुलोसिस TB मल्टी ड्रग आपको रेजिस्टेंस दवा खा रहे हैं और TB आपको हो गया है, बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं, इस टाइप का भी वीडियो आ सकता है। बच्चे का पेट हांडी के समान हो सकता है, इन पर भी आ सकता है, रेनुला म्यूकोसील पर भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी और फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, माइक्रोफाइलेरिया पर ही आता है। तो फाइलेरिया का मरीज यदि है, आपको तीन चिंता करने की जरूरत नहीं है, होम्योपैथिक दवा से आपका बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। अब हमें आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।